Of class 8. Hope everyone is fine. Here is your teacher, and your subject is English. As you know that your exams are starting, and we started revision. So let's see. Today is 31st, right? So we are going to start 31st one. Learn and write the question answers. Who called Sarmat coward and why? What did Ahmed remarks about Sarmad seeing his parents? What did Sarmad do when Ahmed's team won the match? What is sportsmanship? How can apply in our life? For whom displaying sportsmanship is not easy? इसके बाद ये words meaning है, इनके meanings आपके पास हैं, इनको देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सही, इसको देखें. Rivers, enrolled, tetitit, Coptic grace, general, chronosis, Bollywood, Bollywood, repertoire. ये सारे वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. ये आपके पास मौजूद है, लेकिन मैं आपके साथ फिर भी रिवाइज कर रही हूँ. यू कैन गेट इट इन योर लेक्चर. आई एम श्योर यू हैव गॉटन एंड यू ऑलरेडी स्टार्टेड. तो देखते हैं इसमें से जो क्वेश्चंस हैं. इसमें से ये जो क्वेश्चंस हैं उसको देखिए, ये क्या हैं. व्हाट डिड अहमद रिमार्क्स अबाउट सीइंग हिज पेरेंट्स, इसका आंसर भी आपके पास है. क्या देखा था, क्योंकि उसको स्क्रैप बुक्स का शौक था, तो वो स्क्रैप बुक्स मंगवाई थी उसने और कुछ स्टिकर्स. हाउ डिड सरमेंट्स डू एन अहमद्स टीम वॉन द मैच, अहमद्स वेंट टू द अहमद्स शुक हैंड्स विद हिम एंड सेड वेल डन. उसने हाथ मिलाया था और कहा था कि वेल डन कैप्टन, यानी वो बहुत इनकरेज कर रहा था. वो ही वॉज नॉट द बॉय वॉन्टेड टू फाइट. फिर उसके बाद देखिए क्या है. साजिद बिकेम सरमद्स बेस्ट कंपेनियन इन द क्लास. व्हाट वो बन गया था. कुछ आंसर्स यहाँ पे हैं. व्हाट इज़ अ स्पोर्ट्समैनशिप, हाउ कैन वी अप्लाई इन अवर लाइफ. मोरल स्ट्रेंथ इज़ अ करेज. स्पोर्ट्समैनशिप इट इज़ लाइक टू कैरी द रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट ऑफ द अदर पीपल वेयर एवर इन अवर डेली लाइफ. फॉर होम डिस्प्लेइंग स्पोर्ट्समैनशिप इज़ नॉट ईजी. फॉर होम हु डज नॉट रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अदर्स इन देयर डेली लाइफ. तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, इनकी डिटेल्स आप अपने लेक्चर्स के वीडियो पे देखिएगा. आप अपलोड करेंगे, अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग ओपन करेंगे तो मिल जाएगा. इसके आंसर्स भी जो हैं, ये वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हैं, इसके आंसर भी अवेलेबल हैं. फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है. इसको कीजिएगा, जो आंसर्स मिस हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे. सो समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ ऑल्सो. देखिए और कीजिए, एंड विच क्वेश्चंस आर आई हैव गिवन यू इम्पॉर्टेंट, उस पर ख्याल कीजिए. ये देखिए इसके मीनिंग्स है. गुड बाय नंबर वन, आवर रिवॉर्ड्स. गुड बाय अंटिल वी मीट. टू, एंड रूट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी ऑन द वे. इसमें एंड रूट यानी हम रास्ते में हैं. टेटेट, अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. कॉप डिग्रेस, अ फाइनल ब्लो और शो शॉट गिवन टू किल अ 100 पर्सन और एनिमल्स. इसको याद कीजिएगा प्लीज. Genre, a style of category of art, music or literature. Connoisseur, an expert judge in matter of taste. Boulevard, a wide street in a town or city, typically one line with trees. Repertoires, the whole body of items which are regularly performed. देखें ये सारे words meaning और question answers हैं. इसको आप first you have to understand, then you have to learn, memorize and you have to write all these things. Please do it. If you will do it, you will practice it and you will able to give the exams in a beneficial manner. So still if you have anything you can come and ask, I will make you understand. Anyhow, I wish you good luck, hope.
good time. Have a nice time. Take care. Goodbye.